टग्स ऑफ हिंदुस्तान इश्वर्स की बड़ी फिल्मों में से एक है जिसका कई लोगों को इंतजार है। आमिर खान और अमिताभ बच्चन पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों शानदार कलाकारों को साथ देखने का अनुभव ही गजब होगा। और भी कई कारण हैं जिससे इस फिल्म से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। जबकि फिल्म से उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यह कई बार फिल्में सहन नहीं कर पाती। टग्स ऑफ हिंदुस्तान के ट्रेलर से भी लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद हो रखी है। ट्रेलर जारी हुआ लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। ट्रेलर को लेकर लोगों का रिस्पॉन्स मिला जुला रहा। कुछ को बहुत अच्छा लगा तो कुछ को नापसंद हुआ। वहीं नापसंद करने वालों की संख्या काफ़ी कम है। इस बात से आमिर खान को चिंता में डाल रखा है। सूत्रों के अनुसार आमिर ने पता लगाने की कोशिश की कि कमी कहां रह गई। जो बात सामने आई है वो है कमज़ोर VFX। समुंदर के जहाज ऐसे दिखाई दिए हैं जैसे टब में खिलौना जहाज तैर रहा हो। कहा जा रहा है कि आमिर ने टग्स ऑफ हिंदुस्तान के मेकर से कहा है कि VFX सुधारे जाने चाहिए और कई दृश्यों पर दोबारा मेहनत की जानी चाहिए। सभी जानते हैं आमिर अपनी फिल्मों के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर रहते हैं। वे सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि फिल्म से जुड़े डिपार्टमेंट पर बारीकी से नजर रखते हैं। इसी कारण उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल करती है। दिवाली पर रिलीज होने वाली टग्स ऑफ हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन, आमिर खान, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख लीड रोल में नजर आएंगे। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन विजय कृष्ण आचार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको टग्स ऑफ हिंदुस्तान से कितनी उम्मीदें हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि हर खबर आपको ये मिलती है सबसे पहले।